अगर आप अपनी रेफरेंस बुक्स के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ये आपका यूनिट 2 निकल के आया रेफरेंस बुक, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो हमारे पे ये चैप्टर 3 निकल के आ रहा है जहां तक मुझे याद है, ठीक है। और ये हमारा जो आज का टॉपिक निकल के आ रहा है, बेसिकली ये टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी के साथ डील करेगा। जो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी के साथ डील करेगा। अब इसमें मैं कुछ नया नहीं बताने वाला, हाँ न्यूमेरिकल जरूर नए निकल के आएंगे, बट मैं इस टॉपिक के अंदर कुछ नया नहीं बताने वाला, वही जो पुराना जूनियर क्लासेस में 10th क्लास में जो आप सीख के आए हो वही चीज की रेपिटेशन होगी। हाँ, कंपटीशन में ये चैप्टर कैसे निकल के आएगा या इसकी क्वेश्चनिंग कैसे निकल के आ सकती है वो बिल्कुल नया निकल के आएगा आपके लिए। तो मैं सारा रिमाइंडर धीरे धीरे देता जाऊंगा, एक बार सारा रिवाइज करते हैं जूनियर क्लासेस में हमने क्या पढ़ा इसके बारे में, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी के बारे में, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे, ठीक है। तो फिर न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे, ठीक है। अब सेल के बारे में हमने सारा डिस्कस किया इस यूनिट के अंदर, हमने काफी कुछ देखा सेल के बारे में, ठीक है। तो मुझे सेल के बारे में पता चला कि अगर आप एक सेल लेते हो, सिंपल सेल लेते हो, तो सेल का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। अगर इसका वी पोटेंशियल निकल के आ रहा है, ठीक है, तो सेल के अंदर अगर आई करंट निकल रहा है, ठीक है, अगर आई करंट निकल रहा है तो हमें इतना मालूम है, अगर आई करंट निकल रहा है तो आई करंट ही सेल के अंदर कहीं ना कहीं एंटर करेगा। ये वी पोटेंशियल होगा टर्मिनल, ये जीरो पोटेंशियल निकल के आएगा। हमने ये सारा डिस्कस किया था, ठीक है। यहां पर अगर मैं क्लोज सर्किट कंस्ट्रक्ट कर दूं, यहां पर मैंने शो नहीं किया क्लोज सर्किट, लेकिन मुझे इतना मालूम है पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आई करंट एंटर कर रहा है तो सेल के अंदर नेगेटिव टर्मिनल में आई करंट, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव टर्मिनल में आई करंट एंटर करेगा सेल के अंदर। हमने ये सारा सोचा, ठीक है। लेकिन इस सारे चैप्टर के अंदर एक बात हमने क्लियर कर दी थी कि सेल डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज, सेल कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता, सेल के अंदर कोई चार्ज निकल के नहीं आ रहे। हमने ये सारा देखा था, ये सारा डिस्कस किया हमने कि सेल डज नॉट प्रोड्यूस, डज नॉट लिखना भूल गया, ठीक है, कि सेल डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज, ठीक है। अगर एक क्लोज सर्किट ले रहे हो उसके बीच में सेल कोई चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ठीक है, सेल कर क्या रहा, ठीक है। सेल ओनली प्रोवाइड्स एनर्जी, सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। सेल ओनली प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है, या सेल ओनली सप्लाई एनर्जी टू दी चार्ज, ठीक है। कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड करेगा सेल, तभी एक चार्ज, एक कह लो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकल के क्या आएगा, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर एंटर करेगा। लेकिन सेल कोई चार्ज या कोई इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड नहीं कर रहा, सेल सिर्फ एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है चार्ज को कि वो मूव कर सके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल। सेल का पर्पस बस यही है, ठीक है। अब मीनिंग समझो, सेल डज नॉट प्रोड्यूस एनी चार्ज, सेल ओनली प्रोड्यूस या प्रोवाइड या सप्लाई एनर्जी टू द चार्ज, ठीक है। अब अगर एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है सेल, ठीक है, अगर सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है तो हम पढ़ के आए हैं, हमें मालूम है एनर्जी के यूनिट्स क्या निकल के आते हैं, एनर्जी के यूनिट्स निकल के आते हैं जूल, जूल्स। तो वर्क डन के यूनिट्स भी क्या निकल के आएंगे, वर्क डन के यूनिट्स भी निकल के आते हैं जूल। तो मींस ये वाली सारी की सारी एनर्जी, ठीक है, कैन बी यूज इन डूइंग सम वर्क, ठीक है। जो सेल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है वो एनर्जी इज यूज्ड इन प्रोवाइडिंग दी वर्क, ठीक है, कुछ ना कुछ काम करेगा। अब मैं सारा ये पढ़ के आया हूं, ठीक है, जूनियर क्लासेस पिछले लेक्चर्स के बीच में हमने पढ़ा कि वर्क डन
बाय सेल, वर्क डन बाय सेल किसके इक्वल निकल के आता है? पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल निकल के आता है। तो वर्क डन हमने पे क्या पढ़ा था, W upon Q is equal to potential, यहां पर क्या निकल के आ रहा है, V माइनस जीरो, ये वाला जीरो। ठीक है, तो इस तरह से वर्क डन किसके इक्वल निकल के आ रहा है, इसके इक्वल निकल के, वर्क डन किसके इक्वल निकल के आ रहा है, इसके इक्वल निकल के। सो जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो रही है। वर्क डन कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से उठाकर पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो वर्क डन करना पड़े, जो एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी सेल को, ठीक है, वो वर्क डन हम पीछे पढ़ के हैं पिछले लेक्चर्स के बीच में, वो किसके इक्वल निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल निकल, किसके इक्वल निकल के आ रहा है, वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल निकल के आ रहा है। समझ रहे हो इस बात को, इजी है ना यहां तक, ये सारी बातें पुरानी है, हमने अब तक डिस्कस की है। ठीक है, अब ये ऐसे लिख के चल सकते हो कि यार हमने क्या किया कि मैंने कुछ खाना खाया, ठीक है, मुझे एनर्जी प्रोवाइड कर दी गई, और उसके बाद जो भी मैंने खाना खाया वो मैंने वर्कआउट में, ठीक है, जो मैंने एनर्जी खाना खाया मैंने क्या किया, वो जिम में गया, जिम में वर्कआउट के ऊपर क्या कर दी, वो सारी की सारी एनर्जी मैंने क्या कर दी, वेस्ट कर दी, वो सारी की सारी एनर्जी मैंने क्या कर दी, जिम के अंदर वेस्ट कर दी। या फिर ऐसे करते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं, ऐसे करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को सेल ने, ठीक है, कुछ पैसे दिए कि यार भैया कुछ ना कुछ खा ली जाए, ऐसे समझ सकते हैं हम, ठीक है, कि सेल ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को कुछ पैसे दिए कि भैया कुछ ना कुछ खा लियो, कुछ हेल्दी खा लियो। तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, जो उसने पैसे उसे दिए थे, जो एनर्जी उसने प्रोवाइड की थी पैसों के फॉर्म के अंदर, तो उसने वो सारे के सारे पैसे जो है वेस्ट कर दिए जाके कैंटीन में गंद मंद खा के। ठीक है, तो इट मींस जो एनर्जी सप्लाई की वो तो मेरे पास एनर्जी निकल के आती है क्यू इंटू वी, जो एनर्जी सेल ने इसे सप्लाई की वो निकल के आ रही है क्यू इंटू वी, बट होता क्या, रजिस्टर्स ये वाली एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये वाली एनर्जी को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये वाले बीच में सर्किट के बीच में जो भी रजिस्टर्स लगे होते हैं, वेस्ट करते हैं ये सारी एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को क्या कर देते हैं, वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, मोर ओवर अब बातें इकट्ठी करी जाओ, बाद में रिलेट करेंगे। अब ये एनर्जी अगर आप बात करो, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पावर में भी कन्वर्ट हो जाती है, ये एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पावर में भी कन्वर्ट हो जाती है। अब पावर किसके इक्वल होती है, ठीक है, पावर ऑफ ए सेल, पावर जनरेटेड बाय सेल किसके इक्वल निकल के आता है, एनर्जी अपॉन टाइम के इक्वल, एनर्जी अपॉन टाइम के इक्वल निकल गया। ठीक है, तो यहां पर दो बातें निकल के आ रही है, ठीक है, ये तो एक तो ये एनर्जी पावर जनरेट करती है, दूसरा रजिस्टर ये एनर्जी को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, ये एनर्जी को क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि सेल डज नॉट प्रोवाइड एनी चार्ज, सेल ओनली प्रोवाइड एनर्जी टू द चार्ज। ठीक है, कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड, वो एनर्जी आगे किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पावर में कन्वर्ट हो जाती है। तो पावर जनरेटेड बाय सेल किसके इक्वल निकल के आते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम के इक्वल। लेकिन सर्किट के बीच में जो रजिस्टर्स निकल के आते हैं, रजिस्टर्स चाहे एक्सटर्नल निकल के आ जाए चाहे वायर का निकल के आ जाए, वो एनर्जी को क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं, वो वेस्ट करते हैं ना जो एनर्जी को, उसे कहते हैं डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज करते हैं हम, डिसिपेशन। ठीक है, वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, डिसिपेशन, डिसिपेशन ऑफ पावर भी वर्ड यूज कर लेते हैं, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी भी वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, डिसिपेशन ऑफ पावर भी बोल सकते हैं इसे, जो वेस्टेज निकल के आ रहा है, वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, डिसिपेशन, क्या निकल के आ रहा है, डिसिपेशन, वेस्ट,
रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को वेस्ट करता है, ठीक है। या रजिस्टर हम क्या कह सकते हैं, एनर्जी को अगर वेस्ट करता है तो रजिस्टर क्या करता है, पावर को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। पावर को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। इसे कैसे समझ सकते हैं, समझो इस बात को। मैंने क्या किया, एक बैटरी लगाई, एक रजिस्टर निकल के आ गया, बैटरी निकल के आ रही है 12 वोल्ट की, बैटरी निकल के आ रही है 12 वोल्ट की, ठीक है। तो यहां पर अगर बैटरी मेरे पास 12 वोल्ट की निकल के आ रही है, ठीक है, तो मैंने इस बैटरी को यूज किया 2 सेकंड्स के लिए, मैंने इस बैटरी को यूज किया 2 सेकंड्स के लिए, ठीक है। इसके अंदर इसने 2 एम्पीयर का करंट दिया मुझे, फॉर एग्जाम्पल एक बैटरी है, मैंने उसे यूज किया 2 सेकंड्स के लिए, 12 वोल्ट की बैटरी है, और उसने मुझे करंट सेंड किया 2 एम्पीयर का, ठीक है। अगर 2 एम्पीयर का करंट सेंड किया तो अब चेक करो, एनर्जी का हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, एनर्जी निकल के आ रहा था क्यू इंटू वी, एनर्जी निकल के आ रहा था क्यू इंटू वी, वर्क डन को ही कह दिया था क्यू इंटू वी, ठीक है। इसी तरह से पावर, पावर का फॉर्मूला निकल के आया था एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये मैंने वैल्यूज पुट की, ठीक है। क्यू इंटू टू क्या निकल के आ गया, करंट निकल के आ गया, करंट क्या निकल के आ रहा है, 2 निकल के आ रहा है, पावर क्या निकल के आ रही है, तो 24 वोल्ट की मेरे पास एक्चुअल पावर निकल के आ रही है, 24 वोल्ट की मेरे पास क्या निकल के आ रही है, एक्चुअल पावर निकल के आ रही है, ठीक है। एक बैटरी है जिसका 12 वोल्ट का पोटेंशियल है, उसने करंट प्रोड्यूस किया 2 एम्पीयर का, ठीक है, 2 सेकंड टाइम के लिए हमने यूज किया। तो मैंने जब पावर निकाली तो हमें पता चला कि बैट सेल जो पावर प्रोवाइड कर रहा है वो 24 वोल्ट की पावर सप्लाई करता है, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है, अगर आपको याद हो तो यहां पर अगर आप 3 ओम्स का पोटेंशियल लगाओगे, रजिस्टर सॉरी लगाओगे, 3 एम्पीयर का यहां पर अगर रजिस्टर लगाओगे, ठीक है, तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप निकल गया है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर निकल गया, ठीक है। मतलब जब आप रजिस्टर के पास पहुंचोगे तो हमारे पास शायद, ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज निकल के आ रहा है 12 वोल्ट, उससे कम निकल के पोटेंशियल निकल के आएगा यहां पर, क्यों, बिकॉज देयर इज अ ड्रॉप इन पोटेंशियल, ठीक है। अब पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझो, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालते हैं, ओम्स लॉ की हेल्प के साथ, आई इंटू आर के साथ, आई 2 एम्पीयर का था करंट, तो 6 वोल्ट का ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आ रहा है अक्रॉस द रजिस्टर, ठीक है। अगर 2 एम्पीयर का करंट जा रहा है, रजिस्टर लगा हुआ 3 ओम का, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या निकल के आएगा मेरे पास, 6 एम्पीयर, 6 वोल्ट का निकल के आएगा, 6 वोल्ट का निकल गया। तो इट मींस अगर यहां पर मैं रजिस्टेंस की वोल्टेज की बात करूं इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट बी पॉइंट के ऊपर अगर वोल्टेज की बात करूं तो वो क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस एट बी, वो निकल के आएगा 12 माइनस 6, दैट इज 6 वोल्ट का पोटेंशियल निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा, 6 वोल्ट का पोटेंशियल निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर पोटेंशियल 6 वोल्ट का निकल के आ रहा है तो पावर का फॉर्मूला आप देख सकते हो, हमने पीछे पावर का फॉर्मूला लिखा, पावर एट रजिस्टर वो कैलकुलेट कर सकते हैं, वो क्या निकल के आ रहा है, पोटेंशियल एट बी, ठीक है, उसे बोल देते हैं वी डैश इंटू आई, तो वो आ रहा है 6 इंटू आई, दैट इज 12 वॉट। मींस यहां पर क्या निकल के आया, पावर मेरी क्या कर दी, डिक्रीज कर दी, पावर क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। तो रजिस्टर्स क्या करते हैं, पावर को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, पावर को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है, डिसिपेट करते हैं पावर को रजिस्टर्स। इस बात को अभी ध्यान में रखो। सो ओवरऑल
अगर आप सारे कंक्लूजन को देखें तो पावर का फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है V into I. अगर ओम्स लॉ लगाता हूं तो V square upon I. अगेन अगर ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ करंट लगाता हूं तो I square into I. मेरे पास तीन अलग अलग फॉर्मूले निकल के आ रहे हैं पावर के विद द हेल्प ऑफ ओम्स. ठीक है, आगे चल के जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको पता चलेगा ये सीरीज में यूज हो, और आपको ये जाके आगे जाके पता चलेगा कि v square into v square upon i ये यूज होता है पैरेलल, ये यूज होगा पैरेलल में, ये आगे चल के आपको पता चलेगा. ठीक है जी, तो कंक्लूजन हमारा पावर का यहां से निकल के आया, एनर्जी सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है, विद द हेल्प ऑफ दैट एनर्जी पावर जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है तो रजिस्टर के ऊपर वही पावर डिसिपेट हो जाती है, रजिस्टर के ऊपर वही पावर क्या हो जाती है डिसिपेट हो जाती है. ठीक है, अब ध्यान से समझो, रजिस्टर ओनली डिसिपेट्स पावर, डिसिपेट्स मतलब डिस्ट्रॉय, लेकिन सेल सेल अब सेल के अंदर दो केसेस निकल के आते हैं, एक डिस्चार्जिंग का, जब सेल से हम एनर्जी ले रहे हैं, एक चार्जिंग का. फॉर एग्जांपल बैटरी की चार्जिंग हो रही है या मोबाइल की चार्जिंग हो रही है. ठीक है, बैटरी चार्ज कर रहे हो जब आप, ठीक है, जब आप उसे यूज कर रहे हो तो डिस्चार्जिंग है, करंट विड्रॉ कर रहे हो, जब आप उसे चार्जिंग कर रहे हो. ठीक है, अब जब सेल के अंदर डिस्चार्जिंग अक्कर करती है तो पावर जनरेट होती है, पावर क्या होती है जनरेट होती है, लेकिन जब सेल की चार्जिंग अक्कर करती है तो पावर क्या होती है डिसिपेट होती है. याद रखो इस बात, अब एनर्जी क्या हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, इसके कारण मतलब डिस्चार्जिंग के अंदर क्या हो रहा है, सेल इज वर्किंग, सेल इज डूइंग वर्क, सेल क्या कर रहा है काम कर रहा है. चार्जिंग के चार्जिंग में क्या आ रहा है, वर्क इज डन ऑन, वर्क इज बीइंग डन ऑन. सेल इसमें सेल काम कर रहा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के अंदर सेल काम कर रहा है, चार्जिंग के अंदर सेल के ऊपर काम चल रहा है. जब सेल के ऊपर काम चल रहा होता है तो वो कहीं ना कहीं पावर की डिसिपेशन करे, तो कहीं 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 पावर की डिसिपेशन करे. एक बात को याद रखिए जल्दी, ठीक है, तो ये सारा सोच के रखो, ये मतलब नहीं है कि सेल ने सिर्फ पावर जनरेट ही करनी है, सेल पावर कभी कभी डिसिपेट भी करता, कौन से केस में डिसिपेट करता है, चार्जिंग के केस में डिसिपेट. ठीक है, तो इसलिए एनर्जी डिसिपेशन का मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया, पावर इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन एनर्जी, या पावर डिसिपेशन बोल रहे हैं. पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला मेरे पास क्या निकल के आएगा, P इज इक्वल टू डी अपॉन डी, मतलब डेरिवेट करना है इसमें, क्या करना है डेरिवेट करना. ठीक है, यहां से मैं एनर्जी डिसिपेशन निकाल सकता हूं. ठीक है, एनर्जी डिसिपेशन निकाल सकता, एनर्जी डिसिपेशन कैसे निकालना है, अब ये मेरा एक फॉर्मूला निकल के आएगा, इसे नोट कर लो, एनर्जी डिसिपेशन कैसे निकालना, सुन लो इस बात को. ठीक है, एनर्जी डिसिपेशन मुझे निकालना कैसे देख लो. ठीक है, अब ये किसी इंस्टेंट के ऊपर पावर निकली है, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर. ठीक है, अब अगर एनर्जी डिसिपेशन निकालनी है मुझे तो मैं क्या करूंगा. ठीक है, तो मैंने क्या किया,
सेपरेट कर लिया डी टी को डीई से, सेपरेट कर लिया डीई को डीई से, पावर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं? चेक कर लो एक बार, ठीक है। अब पावर का फॉर्मूला लगा दिया इन टर्म्स ऑफ आई, मेरा डीई इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा था, पावर इनटू टाइम, पावर का फॉर्मूला लगा दिया इन टर्म्स ऑफ। अब इंटीग्रेशन जो मैं ये कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ये वाली जो भी मैं इंटीग्रेशन करने लगा हूं, ठीक है, अभी इंटीग्रेशन का साइन हटा देते हैं, स्टेप लिखते हैं यहां पर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, जब आई स्क्वायर तो कांस्टेंट है अगर सीरीज का केस है, ठीक है, जब टाइम जीरो था, जब फाइनल टाइम टी है, फाइनल टाइम टी है, ठीक है, तो आर भी कांस्टेंट है, इसे कट करके बाहर लिख देते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, आई स्क्वायर आर टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, तो क्या निकल के आ रहा है, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, ये मेरा पहला फॉर्मूला निकल गया। इसी तरह से अगर ओम्स लॉ लगाया तो ये दूसरा फॉर्मूला निकल गया, ये कैपिटल टी लॉ, इसी तरह से ये तीसरा फॉर्मूला निकल गया, तो ये डेरिवेशन निकल के आ गई एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। हालांकि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर मैं जो यहां पर जो रिजल्ट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के, ये आपको एक्चुअल में समझ में आएगा जब हम फोर्थ यूनिट करेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट में ये एक्चुअल में पता चलेगा हमें सारा। यहां पर तो हम कॉन्स्टेंट करंट के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पर जो भी बात की जा रही है, यहां पर हम, याद मैं पहले बता दूं, डायरेक्ट करंट के साथ बात कर रहे हैं, ये वाली डेरिवेशन हमने डायरेक्ट करंट के साथ बात की, ठीक है। यूनिट फोर्थ निकल के आएगा ऑल्टरनेटिंग करंट, उसके अंदर ये डेरिवेशन वापस आएगी, वहां पर वेरिएबल होगा करंट, ठीक है, वहां पर डेरिवेशन अलग निकल गया, ठीक है। बेसिकली आपको ये टॉपिक वहां पर ज्यादा हायर लेवल का निकल गया, ठीक है, हायर लेवल का टॉपिक निकल गया। ओवरऑल कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है प्लस टू के लेवल का एनर्जी के बारे में, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, आपको और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर एक न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है, ये 2R, ये 3 एम्पीयर का करंट जा रहा है इसमें से, ठीक है, टाइम निकल के आ रहा है 3 सेकंड, टाइम निकल के आ रहा है 3 सेकंड का, हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी, वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी। तो एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, जरा सोचो, एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको, पावर दी, रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको, करंट दिया हुआ है आपको, टाइम दिया हुआ, ठीक है। तो सीधा फॉर्मूला, मैंने पीछे एनर्जी का ये वाले फॉर्मूले ड्राइव किए, करंट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ, ठीक है, सीधी वैल्यू पुट कर दूंगा, एनर्जी किसी को I square R T, I क्या निकल गया है 3, R कितना निकल गया है 2, T कितना निकल गया है 3, तो वैल्यूज पुट कर दूंगा सीधा, ठीक है, 9 × 2 × 3 दैट इज कितना निकल गया, 54 जूल्स निकल गया, ये मेरे पास एनर्जी कितना निकल गया, 54 जूल्स निकल गया। राइटिंग गंदी हो जाती है यहां पे, 54 जूल्स सीधा, करंट कांस्टेंट है यार, जब भी करंट कांस्टेंट होगा तो आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लगना, ठीक है। अब अगले केस की तरफ जाता हूं, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, दिस टाइम अगेन मेरे पास ऐसे ही दिया हुआ, ये रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है, अब ये जा रहा है, करंट जा रहा है I इज इक्वल टू 2T, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा हुआ 2 ओम का,
और टाइम निकल के आ रहा है 2 सेकंड्स का। अब दिस टाइम अब चेक करो, ये वेरिएबल आ गया यहां पर, ये करंट क्या निकल के आ रहा है, वेरिएबल डिपेंडेंट अपॉन टाइम, करंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब कभी भी करंट टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है तो याद रखिएगा, ठीक है, मैं इस फॉर्मूले के साथ करने वाला हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स को, इस फॉर्मूले के साथ, इस फॉर्मूले के साथ डेरिवेशन करूंगा, सॉरी न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला, ठीक है जी। तब अब मैं इनमें से एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाला, ये तब होता है जब कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट दिया हुआ मुझे। यहां पर करंट मेरा कॉन्स्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। अगर करंट मेरा वेरिएबल निकल के आ रहा है तो ई क्या निकल के आएगा, इंटीग्रेटिंग, ठीक है, आर कॉन्स्टेंट रख लो, आई स्केयर डी टी। अब टाइम कितना निकल गया है, 0 to 2 seconds, ठीक है, टाइम 2 सेकंड तक के लिए निकालना, मतलब इनिशियल टाइम क्या था, 0, फाइनल टाइम क्या निकल गया है, 2, एनर्जी मुझे निकालनी है 2 सेकंड के लिए, तो 0 to 2 seconds, आर कॉन्स्टेंट है, आई स्केयर वेरिएबल है, स्केयर इंटीग्रेशन के अंदर है, तो आई की यहां पर मैं इंटीग्रेशन से पहले आई स्केयर की वैल्यू पुट करने वाला हूं, 2 square dt, इस तरह से, इस तरह से निकल के आ रहा, ठीक है। अगर बातों की तरफ जाए तो थ्योरी थ्योरी जो मेरी निकल के आ रही है वो सारी प्लस टू टेंथ क्लास की है, बट न्यूमेरिकल्स मेरे प्लस टू प्ले लेवल की निकल के आ रही है। अच्छा, तो मैंने ये 0 to 2 लिया, 4 t square dt है इंटीग्रेशन की, 4 तो चलो बाहर आ गया, t square की इंटीग्रेशन, 4r, r की वैल्यू पुट कर दी, r कितना निकल के आ रहा, 2, टाइम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 3 तो चलो कांस्टेंट है बाहर आ गया, ठीक है, सारा सॉल्व करो, ठीक है, सारा सॉल्व कर लो, ये मेरा आंसर निकल गया, सॉल्व आप करिए ना, ये जूल्स में आएगा आपका आंसर। तो मींस कहने का मुद्दा ये निकल के आ रहा था, एनर्जी को ड्राइव करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है, जब करंट वेरिएबल निकल के आ जाए तो इंटीग्रेशन इज द मेथड, इंटीग्रेशन मेथड के साथ सॉल्व करोगे, नोट कर जाओ साथ साथ, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, क्लियर हो जाएगी ये बात। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अब की बार एक सर्किट दिया हो इस तरह से, इस तरह से सर्किट दिया हो, ये आ गया 12 वोल्ट, 2 ओम, 6 ओम, ये 3 ओम, इस तरह से, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसमें इस पूरे सर्किट के बीच में आपको कैलकुलेट क्या करना है, ये गिवन है आपको, अब कैलकुलेट करना है आपको, पहला फर्स्ट पॉइंट एनर्जी स्पेंड या डिसिपेटेड स्पेंड इन 3 ओम रजिस्टर, ये मेरा पहला पॉइंट निकल गया कि 3 ओम के रजिस्टर के बीच में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो आपको कैलकुलेट करना है, एनर्जी स्पेंड इन होल करंट इन 3 सेकंड्स, होल करंट इन 3 सेकंड्स। चलिए डिस्कशन करें फिर, तो सबसे पहले बात करते हैं गुरलीन आपसे, गुरलीन पहले पार्ट के लिए क्या करोगे, 3 ओम के रजिस्टर में से आपको एनर्जी डिसिपेटेड स्पेंड निकालनी है, तो क्या करोगे,
क्या करने की सोच रहे हो ये बता दो। फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, एनर्जी इज इक्वल टू, बोलिए मेरी आवाज आ रही है? आपकी नहीं आ रही थी ना, तो आप पहले क्या कैलकुलेट करने वाले? फॉर्मूला आपके सामने, तीन फॉर्मूले आपके पास एनर्जी के, उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाने की सोच रहे हो? वी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा ठीक है, तो V कितना निकल के आएगा 3 ओम के रजिस्टर के लिए? अच्छा सीधी सी बात करते हैं एक बार, यहां पर एक बात तो क्लियर है, सभी को क्लियर होनी चाहिए ये बात, ठीक है। मैं एक बात शो कर रहा हूं आपको, ठीक है, ये रेड कलर के साथ शो कर रहा हूं, ये वाला जो निकल के आ रहे हैं आपस में क्या निकल के आ रहे हैं? पैरेलल में, लेकिन इन दोनों का जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों का जो निकल के आएगा, ठीक है, इसके साथ क्या निकल के आएगा? वो सीरीज में निकल गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में निकल के आएगा इन दोनों का। यहां पर ऐसे सोचिए, अच्छा गुरलीन आपसे बात कर रहा हूं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है कि अलग अलग होती है? गुलिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन के बीच में वोल्टेज सेम होती है कि करंट सेम होता है? वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज सेम होती है। चलो वोल्टेज सेम होती है, वेरी गुड। करंट डिफरेंट डिफरेंट होता, इट मींस जे मैं वोल्टेज अकॉर्डिंगली देख के चलना, ठीक है, पहला मैंने वोल्टेज की करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चलो मैं मान लिया 3 ओम एंड 6 ओम के बीच का वोल्टेज सेम है, बट वो सीरीज में निकल के आ रहा है 2 ओम के नाल, मींस 2 ओम के बीच रेजिस्टेंस कुछ हो और वोल्टेज कुछ हो रहेगी 3 एंड 6 ओम के बीच रेजिस्टेंस के बीच, ठीक है, ए दोनों बीच वोल्टेज डिफरेंट होगी क्योंकि आपस में की है सीरीज है। इतनी गल समझ रहे हो गुरलीन? हां जी सर। हरलीन इतनी गल समझ आ रही है? गुरकीत, भावित, हरनमन इन्नी गल समझ आती है? हरनमन ध्यान आती है समझ? वेरी गुड, तेरी बात सुनना तो बड़ा बढ़िया लगता, आज जोश ना बोलता बुरा, ठीक है। सो फिगर सामने बना लो, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, ठीक है। हूं मैं जे एनू सिंपलीफाई करा, आ स्ट्रक्चर मैं सिंपलीफाई करके इतने बनावा ब्लू कलर दे विच, तो मेरे को की निकल के आ रहा है? ए दोनों दा पैरेलल दे विच, हुण ए जदों दोनों आपस विच पैरेलल दे विच हैगे, इहनू कैलकुलेट करके देखो, इहनां दोनों दा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम निकल के आएगा, चेक करो जरा, 1/3 प्लस 1/6, ठीक है, ब्लू कलर दे नाल मैं मार्क कर रहा हां, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीस टू रेजिस्टर्स विल बी 2 ओम, कितना निकल के आएगा? 2 ओम निकल के आएगा। आ रहा है किसी का? चलो वेरी गुड, सॉल्व कर लिया। सो इन शॉर्ट, अगर ये मैं सर्किट को और ज्यादा सिंपलीफाई करूं तो ये मेरे पास इस तरह से निकल गया है, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 12 वोल्ट, इस तरह से सिंपलीफाई करके निकल गया, ठीक है। जो दो पैरेलल में थे उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास निकल के आ गया 2 ओम, ठीक है जी। अब पूरे सर्किट का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ होल सर्किट, वो मेरे पास निकल के आ रहा है 4 ओम, तो यहां से ओम्स लॉ लगाओ, VI इज इक्वल टू V अपॉन R, V निकल के आया 12, R निकल के आया 4, तो कितना निकल के आ रहा है? 3 एम्पीयर निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? 3 एम्पीयर निकल के आ रहा है। तो द करंट फॉर होल सर्किट, आप सोच सकते हो अगर यहां पर अगर चेक करो तो करंट कितना निकल के आ रहा है? 3 एम्पीयर का करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी ने कितना करंट प्रोवाइड किया? 3 एम्पीयर का करंट प्रोवाइड किया, मैंने शो भी कर दिया फिगर में, ठीक है, 3 एम्पीयर का करंट। अब मतलब
ये 2 ओम के रेजिस्टर के बीच में 3 एम्पीयर का करंट, लेकिन यहां पर 3 एम्पीयर का करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। 3 एम्पीयर का करंट यहां पर मेरा दो पार्ट्स के बीच में डिवाइड हो रहा है, ठीक है जी बबन। बबन हमने ये टॉपिक किया था, आप कैलकुलेट करके बता सकते हो कि 3 ओम में और 6 ओम में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा होगा? हमने ये किया था डिस्कस, अगर आपको याद हो। सभी को कह रहा हूं 3 ओम में और 6 ओम में करंट कितना कितना जा रहा, हमने ये कैलकुलेट किया था, किस मेथड के साथ कैलकुलेट किया था जरा सोच के बताओ। किस मेथड के साथ कैलकुलेट किया था ये जरा सोच के बताओ। नहीं आता। ओए भूल गए। हां जी 3 ओम से कितना जा रहा है? ओहो एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट बस करने लगे शुरू, थोड़ी सी आ रही प्रॉब्लम। दमन आया नहीं अभी? हाँ जी दमन जी, क्या बता रहे थे आप, कैसे निकाला आपने? 3 वेंचर 2 एम्पीयर जा रहे हैं और 6 वेंचर 1। हाँ जी बबन जी, दमन कैसे निकाला ये बताओ पहले। रेशियो मेथड नाम का। हाँ जी रेशियो मेथड चिकी दस्ते से क्या मेथड? एक बार सारे रिपीट कर दो। कितना कह रहे हो? पहला तो की करना सी कहता चलो मैं रेशियो मेथड का नाम दसता। सो हमने क्या किया था, कैलकुलेट किया था ये I1 एंड ये I2 कैलकुलेट कर सकते हैं बाय रेशियो मेथड। I1 किंदे इक्वल निकल के आएगा, ठीक है बाय रेशियो मेथड। ये किया था हमने पीछे 3 ओम है, 3 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 इनटू टोटल करंट दैट इज आई, 3 डिवाइडेड बाय 9 इनटू टोटल करंट कितना निकल के आ रहा बेटा 3 एम्पीयर। तो इतने क्या हो जाएगा 3, तो कटिंग हुई I1 कितना निकल के आ गया 1 एम्पीयर। दिस इज नोन एज रेशियो मेथड। हमने ये किया था पिछले वाला लेक्चर, देखो चेक करो, व्हेन पोटेंशियल इज नॉट गिवन वी कैन कैलकुलेट द करंट्स बाय रेशियो मेथड। रेशियो मेथड के साथ हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है वी कैन कैलकुलेट द करंट्स बाय रेशियो मेथड। सिमिलरली I2 6 डिवाइडेड बाय 2 टोटल करंट, तो I2 विल बी 2 एम्पीयर। चेक करो 3 एम्पीयर में टोटल 3 एम्पीयर है, इन 3 ओम्स में करंट जाएगा दैट इज 1 एम्पीयर का, और उसमें करंट जाएगा 2 एम्पीयर का, दूसरे में करंट जा रहा है 2 एम्पीयर का।
ठीक है, तो यहां से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं अब, ठीक है, एनर्जी स्पेंड इन 3 ओम रजिस्टर, तो यहां से मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा, करंट पता मुझे, टाइम पता है, रेजिस्टेंस पता है, आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लग जाएगा बाय यूजिंग आई स्क्वायर आर टी, एंड फॉर होल सर्किट के लिए क्या निकाला आपने, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने निकाला होगा 4 ओम, करंट निकाला होगा 3 ओम, अगेन आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लग जाएगा, अगेन मेरा आई स्क्वायर आर टी का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है जी। चलिए आज का सेशन यहीं पे खत्म कर रहा हूं, इसके कुछ कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे वो कल करेंगे, ठीक है, इसी के कॉम्पिटिशन के कुछ न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे, ठीक है, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन के अंदर ही सारा निकल गया हमारा, ठीक है, कल इसके कॉम्पिटिशन के न्यूमेरिकल्स निकल के आएंगे, वो मैं कल करवाऊंगा फिर, ठीक है जी, मेरी बात सुनो,